मैदान पर खड़ी तीन बाइकों में अचानक आग लग गई। इस दौरान लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना को लेकर उनमें आक्रोश है। उनके मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने बाइक में आग लगाई और भाग गए। ये घटना सुबह के वक्त की है, कोहरे की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाए। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग जो है सुबह फुटबॉल खेलने के लिए आए थे, प्रैक्टिस करते हैं बराबर, उसी तरह आज हम लोग आए हैं, गाड़ी खड़ा किया है और गाड़ी खड़ा करने के बाद हम लोग जो है चले गए ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलने। उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 7 बजे सूचना अंदर जो है कुछ लोगों द्वारा मिलती है कि गाड़ी में आग लग गई है। हम लोग आके देखते हैं तो गेट पे जो है गाड़ी जल रही थी धू धू कर। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और स्थानीय लोगों के और क्लब के जो है उस पर जो है पहलवान है जो प्रैक्टिस करते हैं रेलवे के, उनके सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया है और अगल बगल जो है माचिस भी भरी हुई प्राप्त हुई है। सूचना पुलिस को दे दी गई थी, पुलिस के द्वारा भी जो है मौखिक तौर पर दी गई है, पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया जो उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। क्या लगता है क्या ये आग जो है किसी के रंजिश वश लगाई गई है या शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई है, अब ये जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस इसकी जांच करे। बुलंदशहर के